जिले पर हाई प्रोफाइल ड्रामा और थाने पर आकर सुलह समझौता। मामला आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के इसहाकपुर गांव का है, जहां कपिल चौहान और उनकी पत्नी उर्मिला के द्वारा जनपद मुख्यालय पर बीते शनिवार को पहुंचकर अपने बड़े पुत्र पप्पू चौहान पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं रविवार को थाने पर पहुंचकर दोनों पक्षों में सुलह समझौता पुलिस ने करवाया। बताते चले, कपिल चौहान की पहली पत्नी से एक पुत्र पप्पू चौहान है। वहीं कपिल चौहान की पहली पत्नी के मरने के बाद कपिल ने दूसरी शादी कर ली, जो कुछ दिन रहने के बाद कहीं चली गई और फिर 10 साल बाद लौटी। पप्पू चौहान का कहना है कि हमारे पिताजी कपिल चौहान के द्वारा यूनियन बैंक भर्ती भुजवल से 3,32,000 का लोन लिया गया था, जिसे हमने कर्ज लेकर चुकता किया। लेकिन जब हमारे पिताजी को, जो दूसरी पत्नी है, उनके दो बेटे हैं, वह कर्ज में हिस्सा ना देकर अपनी ज़मीन में हिस्सा लेने की बात करते हैं, उसी बात को लेकर यह मबूरा मामला सौतेली माँ के सारे इशारे पर नाटकी मोड में चल रहा था। और पिताजी और हमारी सौतेली माँ जनपद मुख्यालय में पर पहुँच कर आरोप भी लगा रही थी। वहीं रविवार को दोनों पक्षों को अरौला थाने में बुलाया गया। कागज और सबूत को देखने के बाद थाने में दोनों पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया है। पप्पू चौहान का कहना है कि हमारे पिताजी के बीच कोई मामला नहीं है, बस मामला हमारी सौतेली माँ उत्पन्न करना चाहती है। देखिए पप्पू चौहान ने क्या कुछ कहा। क्या है आपकी? हमारी समस्या यही है कि हमारे पिता के नाम 3,32,000 लोन था, तो हमने 2,00,000 रुपए हवलदार चौहान से कर्ज लेके 10 रुपए ब्याज से कर्ज भरे और कुछ अपने पास से पैसा लगा के 3,32,000 रुपए पेट किए। भरने के बाद तो आपके पिताजी थाने पे दरखास्त दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, कहें दे रहे हैं? थाने पे दरखास्त इसलिए दे रहे हैं, पैसा देने के लिए वो लोग राजी नहीं हो रहे हैं और हमें खाली परेशान किया जा रहा है। जी, आपको परेशान किया जा रहा है जी? तो पिताजी आपके बार बार थाने क्यों आ रहे हैं? पिताजी आ रहे हैं किसी के बहकावे में आके, बोलते हैं वकील हैं हमारे, वकील बता रहे थे उनके, क्या मालूम कौन वकील है, बोलते हैं कि अपना पास जो है। आप क्या चाहते हैं बताएं? हम यही चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है 3 जगह बांट दिया जाए और 3 जगह पैसा बांट के और 3 जगह खेती भी बांट दिया जाए और सब अपने बराबर के हिस्से ले लें। और बाप को भी कि वो उनके तरफ रहें, चाहे खाएं, चाहे हमारे तरफ रहें, चाहे जिसके तरफ, जिसका उनका जहाँ मर्जी करें वहाँ खा सकते हैं, उनको कोई भाग नहीं दे। जी, आपको कोई आपत्ति नहीं है इसकी? नहीं। आपके सामने हुआ क्या समझौता? जी, हमारे सामने समझौता हुआ कि 3,32,000 जो कर्जा पप्पू अकेले भरे हैं, उस कर्जे को 3 भाग में बराबर तीनों को बांट दिया जाए और जमीन तीनों को बराबर बांट दिया जाए। ये लोग उस बात को माने कि 3,00,000 तुम्हारा वापस कर दिया जाएगा, 32,000 नहीं मिलेगा। इस पर पप्पू राजी हो गए कि चलो 3,00,000 सही है, जिसका कर्जा हम लिए उसका चुका देंगे। इसके बाद समझौते कोई कागज वगज बना है तो उसके लिए को दिखा दीजिए। हाँ, कौन सा कागज? यही कागज बना? यही कागज बना आज थाने भी बना है जी। तो जब समझौता हो गया तो फिर वो लोग बोले कि हम पैसा नहीं देंगे, एक पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लो। इसी में बात थाने में बिगड़ गई। फिर थाने वालों ने दोनों पार्टी की चालान कर दिया, पप्पू की और उन लोगों की चालान कर दिया। आज क्या हुआ? आज भी थाने पापा आज तो आज समझौता यही हुआ है कि जाओ, तुम्हारे बाप के नाम जमीन है, जब तक है तब तक तुम्हारा बाप जमीन अपने पास रखेगा और तुम्हारा कर्जा देंगे। मतलब देने के लिए तैयार हो, अभी राजी है? हाँ, कर्ज दे दे तो इस बराबर बराबर का हिस्सा जो है बांट दिया जाए, इसे बांट लिए जाएंगे, तीनों भाई कर्ज देंगे, तीनों भाई बराबर में बांट के, और कोई आपत्ति नहीं रहेगी सर। वो अपना कमाई खाए, हम अपना कमाई खाएंगे, अपना बांटवारा करके और पैसा जो भी है अपना। ठीक।